हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस पॉइंट यूट्यूब चैनल। टुडे टॉपिक इज आरसेप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। गाइस, ये टॉपिक कोई नई टॉपिक नहीं है, इस पे कुछ नए रिफॉर्म किए गए हैं जिसको पाके अभी ये करेंट व्यू बना हुआ है। दरअसल ये 2013 का पूरा मुद्दा चल रहा है, 2013 से आज 2020 है, अब जाके ये अपने वास्तविक रूप में आया है। कौन कौन से कंट्री इस ग्रुप में शामिल हो चुके हैं, कौन सा ऐसा देश है जो कि बाहर निकला हुआ है और क्यों निकला हुआ, उसको भी देखेंगे। आरसेप होता क्या है ये भी देखेंगे। एक देश का दूसरे देश से आरसेप के तहत क्या फ़ायदा होता है, क्या घाटा होता है, ये भी देखेंगे। और साथ में अगर आरसेप का हमारा रिलेशन न रहे तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हम ये भी देखेंगे। तो गाइज, मैंने कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट मेरे आधार से लगा, मैंने उसको मेंशन किया, उसको हम देख लेते हैं। टोटल 16 देश हैं आरसेप के तहत, ठीक है, और ये 30% जीडीपी पूरे विश्व के जीडीपी का 30% है, यानी $25 ट्रिलियन, ठीक है। 2013 से 20 का ये पूरा प्रॉपर चल रहा है प्रोसीजर, जो कि आज कंप्लीट हुआ है, इसको हमने बता दिया। दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड है ये, ठीक है। अब इसके पहले नाफ्टा भी था, ठीक है, आज भी है, लेकिन आज ये जो हमारा आरसेप है वो नाफ्टा से भी, मतलब नाफ्टा तो इसके मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि आज आरसेप ने जो जितने कंट्री आज इसमें शामिल हो चुके हैं उसके सामने नाफ्टा एक रीजनल समूह बन के रह चुका है, जबकि जो आरसेप है एक वैश्विक आईने में दिख रहा है कि एक वैश्विक रूप ले चुका है। और नाफ्टा हुआ, साप्टा भी है जिसमें भारत इन्वॉल्व है, साप्टा हो गया, नाफ्टा हो गया, ये एक रीजनल चीज़ें हो गई हैं, लेकिन आरसेप आज के समय में एक बड़ा समूह बन गया है, एक वैश्विक समूह बन चुका है, ठीक है। इसमें कौन कौन से कंट्री हैं, देखिए, आसियान है, आसियान के टोटल 10 कंट्रीज में हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया प्लस चाइना, ठीक है, ये टोटल 16 कंट्री हैं। क्लियर गाइस? FTA क्या होता है इसको देख लेते हैं, क्योंकि इसका इसमें यूज है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये जिस भी कंट्री के बीच में किया जाता है, जैसे भारत पाकिस्तान है, भारत पाकिस्तान के बीच में FTA है, लेकिन अभी कुछ परेशानियों को पाकर, कुछ सीमा विवाद को पाकर अभी इस पे विवाद चल रहा है FTA पे। तो जैसे था, इसमें होता क्या है कि दो आपस में देश, जैसे कोई देश ए है कोई देश बी है, ठीक है, FTA के तहत इसमें ये तय किया जाता है कि कुछ ऐसे सामान होते हैं, कुछ वैसे वस्तु होते हैं जो कि हम आपके देश में बेचेंगे, लेकिन आप उस पे हमसे टैरिफ नहीं लोगे, ठीक है, सीमा शुल्क नहीं लोगे। इस हिसाब से दोनों देश एक दूसरे के देश में सामान को बेचते हैं और सीमा शुल्क नहीं देते या ना के बराबर देते हैं, देते हैं तो कुछ सर्विसेज देते हैं, बाकी ना के बराबर वो होता है, फ्री बिल्कुल होता है, सीमा शुल्क फ्री होता है, जाओ बेचो सामान, अपना मुनाफा कमाओ, ये सिस्टम रहता है, ठीक है। साप्टा को देख लेते हैं, ठीक है, ये साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। देखिए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बता दिया मैंने, अब जो साप्टा है ये साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, साउथ एशिया के कंट्री हैं जो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं, जो कि एक दूसरे के देश में सामान बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं, जिस देश में बेचते हैं उस देश को वो टैरिफ नहीं देते हैं, क्लियर, टैक्स नहीं देते हैं, सीमा शुल्क नहीं देते हैं, जिससे भारत को काफ़ी नुकसान हुआ है। तकरीबन 64% ट्रेड डिफिसिट हुआ है भारत का, तो हम तो पहले से डूबे हुए हैं इस प्रोसीजर को पा करके, क्योंकि हमारे यहाँ जो सामान बनते हैं उन सामानों पे एक समुचित टैक्स लगाया जाता है, अब वो टैक्स भारत सरकार को जाता है, जिससे कि भारत सरकार को एक आमदनी होती है, उस आमदनी
से हमारा विकास होता है। जो भी कोई प्रोग्राम करने हो, कोई ब्रिज बनाने हो, जो भी चीज़ें होती हैं नेशनल लेवल पे की जाती हैं, सुरक्षा संबंधित, देश से संबंधित हर एक विषय पे यहाँ से पैसा इनको मिलता है। ठीक है, अब जब हम 64% घाटे में पहले से चल रहे हैं, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि हम ऐसे चीज़ों में हम फिर से इन्वॉल्व हो जाएं। तब तो हम तो बिल्कुल कोई बात ही नहीं हुई फिर तो आगे हमें पुश होने का। ठीक है, एक नाफ्टा है, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसमें कौन कौन से हैं? कनाडा है, यूएसए है, मैक्सिको है। गाइस, इसमें होता क्या है कि जो कंट्री एफटीए के थ्रू आपस में साइन कर लेते हैं कि हम एक दूसरे से एफटीए के थ्रू जुड़े रहेंगे, इसमें मान के चलिए कि नाम होता है कि ये देश है ए, देश है बी, आपस में इनके बीच में व्यापारिक तौर पे कोई रुकावटें नहीं होती। यानी ये दो भिन्न भिन्न कंट्री आपस में एक एक राज्य बन जाती हैं, एक क्षेत्र बन जाती हैं। सारे के सारे जो रूल हैं वो लागू होते हैं सामरिक लेवल पर, विदेशी लेवल पे। ठीक है, हर एक चीज़ लागू होती है, लेकिन व्यापारिक जो होता है हमारा, व्यापारिक विषय, व्यापारिक जो हमारे विषय पे जो चीज़ें हम होता है कि नहीं, हमारा एफटीए के थ्रू एक दूसरे से एग्रीमेंट हुआ है, उसके मध्य में कोई रुकावट नहीं होता है। एक नॉर्मल फॉर्मेलिटीज होती है कंट्री से दूसरे कंट्री में, दूसरे कंट्री से पहले कंट्री में सामान का आना जाना होता है, ना कोई रुकावट, ना किसी तरह से कोई टैक्स, ना ही उस पे वेरिफिकेशन कुछ किसी तरह से, बिल्कुल एक क्षेत्र सा बन जाता है। तो एक नज़र से देखें तो ये काफ़ी अच्छा भी है, लेकिन कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, साप्टा, साप्टा जो है 6 जून 2004 का ये प्रोग्राम, जो कि 12th सार्क समिट में साइन किया गया था, इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है कि ये कब हुआ था, 6 जून 2004, 12वां सार्क समिट इस्लामाबाद पाकिस्तान में क्लियर हुआ था। अब हम आते हैं आर्टिकल पे कि आर्टिकल क्या कहता है, क्या है गाइस, भारत इससे बाहर क्यों हो गया? बाहर होने का कारण क्या है कि जितना भी वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए के थ्रू जितने भी कंट्रियों से जुड़ा है, वो ऑलरेडी 64% ट्रेड डिफिसिट में चल रहा है। ठीक है, उसके बाद भारत ने जब सारे कंट्रियों का प्रेशर हुआ कि नहीं, भारत को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, भारत गलत कर रहा है, भारत को आना चाहिए, तो भारत ने भी इस पे सोचा और ये हुआ कि भारत इसमें अब इन्वॉल्व होगा। लेकिन भारत ने दो चीज़ों को यहाँ पर रखा, ठीक है, जो कि चाइना को नागवारा गुजरा। पहला है ऑटो ट्रिगर, ठीक है, दूसरा है रूल ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ऑटो ट्रिगर क्या होता है? ऑटो ट्रिगर गाइज, जैसे मुझे चावल की जरूरत है, ठीक है, मैंने चाइना से चावल बोला कि मुझे आपसे 70 मिलियन टन चावल चाहिए, ठीक है, चाइना बोला ठीक है जी हम आपको देंगे। मैंने बोला कि अगर इससे ज़्यादा हमें आप दोगे तो उस पे ऑटो ट्रिगर एक्टिवेट हो जाएगा, यानी उस पे हम टैक्स लेंगे। हम आरसेप में साइन करने को तैयार हैं, लेकिन दो कंडीशन हमारे रहेंगे, एक ऑटो ट्रिगर, दूसरा रूल ऑफ ओरिजिन। ऑटो ट्रिगर में क्या है कि हमें जितनी आवश्यकता है आप हमारे कंट्री में उतना ही सामान भेजेंगे, ठीक है, बोला ठीक है जी हम एग्री हैं, क्लियर। अगर इस सीमा से ज़्यादा सामान आप दे देते हो तो ऑटो ट्रिगर एक्टिवेट होगा, यानी उस पे हम टैक्स लेंगे आपसे, सीमा शुल्क लेंगे। ठीक है, दूसरा है, इस पे चाइना तैयार हो गया था, ठीक है, दूसरा है रूल ऑफ ओरिजिन। जैसे मान के चलिए कि हमने आपको 70 मिलियन टन
चावल दे दिया डायरेक्ट चाइना से भारत में, क्लियर। और 30 मिलियन टन हम बांग्लादेश के थ्रू दे दिए, क्योंकि हम बांग्लादेश से भी हम एफटीए के थ्रू जुड़े हुए हैं, आरसेप के थ्रू जुड़े हुए हैं, म्यांमार हो गया हमारा पड़ोसी देश, उसके थ्रू भी हम जुड़े हुए हैं। अब क्या किए भाई साहब कि 30 मिलियन टन जो चावल है वो म्यांमार के थ्रू भी हमें भेज दिए, क्लियर। यहाँ पे ऑटो ट्रिगर एक्टिव नहीं हुआ, बिकॉज इनसे जितना हमारा एग्रीमेंट हुआ था कि हमें इतना ही चाहिए, आपने भेज दिया, क्लियर। इन्होंने अपना माल 70 मिलियन टन यहाँ पे दे दिया, 30 मिलियन हमें दे दिया यहाँ से बांग्लादेश के, म्यांमार के थ्रू दे दिया, बांग्लादेश के थ्रू दे दिया, ठीक है। ये टोटल भेज दिए 100 मिलियन टन, और इन पे हम टैक्स नहीं लगाए, और हमारे पास इनका ज़रूरत था 70 का, हमें भेज दिया 30 मिलियन टन और ज़्यादा। अब उससे नुकसान क्या हो रहा है, हमारे कंट्री में भी तो किसान हैं, इनका चावल कहाँ जाएगा, क्लियर। क्योंकि कुछ ऐसे कंट्री हैं विश्व में जहाँ पे डेयरी फार्म काफ़ी सस्ते हैं, कृषि फार्म काफ़ी सस्ते हैं, तो उनका सामान तो हमारे कंट्री में पूरा का पूरा जगह छेक लेगा, सबकी ज़रूरतों को पूरा कर देगा, ठीक है। फिलहाल के लिए बहुत अच्छा है, फिलहाल के लिए जहाँ पर हम 60 रुपये लीटर का दूध लेते हैं, वहाँ पे हमें हो सकता है कि 25 रुपये लीटर का दूध, 30 रुपये लीटर का दूध मिले, क्योंकि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया कुछ ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे डेयरी फार्म काफ़ी सस्ते हद पे और काफ़ी वैरायटी की चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। फिलहाल तो चीज़ें हमारी कमी पूरी हो जाएगी कम पैसे में, लेकिन भविष्य के लिए ये सही नहीं है। आखिर हमारे देश का उद्योग कहाँ पर जाएगा, हमारे यहाँ जो डेयरी फार्म है, जो एग्रीकल्चर फार्म है, उनका क्या होगा फिर। तो कहीं ना कहीं एक क्षणिक मुनाफे के लिए हम दूरगामी अपना घाटा कर रहे हैं, क्लियर, जिसको पा करके। हाँ, तो रूल ऑफ ओरिजिन पे चाइना तैयार नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये मैटर था कि आपका जो प्रोडक्शंस है उस पे रूल ऑफ ओरिजिन मेंशन करना पड़ेगा। तो जैसे चाइना का कोई सामान है, रूल ऑफ ओरिजिन मेंशन हो गया, तो चाहे बांग्लादेश से आए चाहे म्यांमार से आए, रूल ऑफ ओरिजिन रहेगा, तो हम तो कहेंगे जी कि हमें ज़रूरत थी 70 की, आपने 30 और बढ़ा के दे दिया, ठीक है। तो ये तो सामान आप ही के घूम के आ रहे हैं ना, हमें तो ज़रूरत ही नहीं थी ये जो 30% सामान, क्योंकि बांग्ला म्यांमार को आपने दे दिया 30% की, भारत में इसको स्टोर करो, बांग्लादेश ने बेचा फिर से, म्यांमार ने बांग्लादेश ने बेचा फिर से भारत में, तो 30% का जो हमारा कमी था वो तो हमें कमी नहीं, वो तो हमारे हमारे किसान, हमारे डेयरी फार्म, हमारे जो उद्योग फार्म है उनका लॉस हो गया, क्योंकि हमें ज़रूरत है नहीं, आपने ओवर कर दिया, सामान सस्ते होंगे, तो हमारे यहाँ जो उत्पाद हो रहे हैं उन वो कहाँ बिकेंगे। क्योंकि अगर एक व्यू देखा जाए, दूरदर्शी तरीके से देखा जाए, तो भारत के जो भी प्रोडक्टिव उत्पाद होते हैं वो महंगे होते हैं, क्योंकि लेबर कॉस्ट ज़्यादा है तो महंगे होते हैं, जिसको पाकर हम कहीं बेच तो पाते नहीं, बल्कि हम खूब आयात किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जिस पे कि चाइना रूल ऑफ ओरिजिन पे तैयार नहीं हुआ, और इन सब चीज़ों को पाकर के भारत ने आरसेप से बाहर हुआ कि हम आरसेप में नहीं रहेंगे, हाँ अभी के लिए बाहर हैं, हो सकता है कि भविष्य में हम इसमें आ जाएं, जिसके जिसका कि विरोध चाइना ने भी किया कि नहीं आप आइए और ये अभी के लिए अपने देश के लिए सही साबित नहीं होगा। जापान भी काफ़ी कोशिश किया कि भारत आरसेप में रहे, लेकिन हमारा परेशानी बस यही है कि अगर हम आरसेप में साइन कर देते हैं तो हमारे यहाँ के जो कुछ उद्योग हैं उनका काफ़ी घाटा होगा, और उस घाटे को सहन करने के लिए भी हमारी क्षमता नहीं है, जिसको पाकर हम आरसेप से हम बाहर हुए हैं। तो गाइस, मैंने एक शॉर्ट व्यू दिया है, आई होप कि आरसेप बता पाया कि क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो काफ़ी जल्दी अपलोड करूँगा।